नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आप सभी का। आज हम जानेंगे कौन थे ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी, जिन्हें बॉर्डर फिल्म में दर्शाया गया है। ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी भारतीय सेना में एक सेवानिवृत्त अधिकारी थे। इनका जन्म अविभाजित भारत के पंजाब क्षेत्र में माटंगोमेरी में 22 नवंबर 1944 को पिता सरदार वतन सिंह के यहाँ हुआ था, जो आज के पाकिस्तान के पंजाब में है। वे एनसीसी के सक्रिय सदस्य थे और जब उन्होंने 1962 में होशियारपुर गवर्नमेंट कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, तब एनसीसी की परीक्षा भी उत्तीर्ण की थी। कुलदीप सिंह भारतीय सेना में सेवा देने वाले अपने परिवार के तीसरी पीढ़ी के सैन्य अधिकारी है। कुलदीप सिंह अपने माता पिता के इकलौती संतान हैं। कुलदीप सिंह सन 1962 में भारतीय सेना में भर्ती हुए थे। उन्होंने ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी चेन्नई से कमीशन प्राप्त किया और पंजाब रेजिमेंट की 23वीं बटालियन से प्रविष्ट हुए। उन्होंने 1965 के युद्ध में भाग लिया, जहां वे पश्चिमी सेक्टर में तैनात थे। युद्ध के उपरांत उन्होंने एक साल के लिए संयुक्त राष्ट्र के आपातकालीन बल को अपनी सेवाएं दी। दो बार वे मध्य प्रदेश के प्रतिष्ठित स्कूल इन्फेंट्री स्कूल में इंस्पेक्टर भी रहे। उन्होंने लोंगेवाला युद्ध में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। जब पाकिस्तान की आर्मी ने राजस्थान के लोंगेवाला पोस्ट में आक्रमण किया, तभी वे 23वीं पंजाब के बटालियन के मेजर थे। वे और उनकी 120 सैनिकों ने पोस्ट की बहुत बहादुरी से दुश्मनों से रक्षा किया, जहां पाकिस्तान की सेना में 2000 से 3000 सैनिक समेत 30 से 40 टैंक थे। वहीं भारतीय की सेना में मात्र 120 सैनिक समेत 3 से 4 वायुसेना के जवान थे। और जब उन्हें बताया गया कि भारतीय वायुसेना रात में उनकी मदद नहीं कर पाएगी, तभी कुलदीप सिंह और उनकी सेना ने रात भर दुश्मन से डट कर मुकाबला किया। वे अपने सैनिकों को खूब प्रेरणा देते, एक बंकर से दूसरे बंकर जा कर। वे अपने सैनिकों को प्रोत्साहित करते रहते कि वे दुश्मन को जवाब देते रहे, जब तक सुबह को वायुसेना मदद को ना पहुंचे। कुलदीप सिंह और उनके सैनिकों ने वायुसेना की मदद से दुश्मनों को 12 तोप समय छोड़कर वापस हटने पर मजबूर कर दिया। उन्हें अपनी बहादुरी और देश प्रेम के जज्बे के कारण महावीर चक्र और विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। वे 1996 में ब्रिगेडियर के रूप से आर्मी से निवृत्त हुए। 17 नवंबर 2018 को फोर्टिस अस्पताल मोहाली में 77 साल की उम्र में कैंसर की वजह से उनका निधन हो गया। हम सलाम करते हैं माँ भारती के इस वीर सपूत को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।